हेलो एवरीवन, मैं आज सभी को बताने जा रहा हूँ बोकारो पुलिस ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो बोकारो पुलिस का ट्रेड टेस्ट डेट आ चुकी है, तो जो असफल विद्यार्थी थे मींस लिखित वक्त जो सिग्नेचर किए हुए थे उनको असफल अभ्यर्थी माना गया था और असफल अभ्यर्थी का रिजल्ट गेट नंबर 1 में चिपका दिया गया था। अब ट्रेड टेस्ट कब से है वो बताता हूँ। आप देख सकते हैं शारीरिक जांच एवं लिखित परीक्षा के सफल अभ्यर्थी को व्यावहारिक जांच परीक्षा 24/6/2019 से 26/7/2019 तक होगा। सुबह प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक कहाँ पे होगा, तो झारखंड सशस्त्र पुलिस 4 बोकारो पे कैंपस में आयोजित किया जाएगा। मींस जहां आप सभी रिटर्न और दौड़ लगाए थे। सफल विद्यार्थियों क्या क्या लाना है, 10 क्लास का सभी एडमिट कार्ड और जो कुछ आप सभी फॉर्म जमा करते वक्त जमा किए थे वो सभी सर्टिफिकेट लाना है। आप सभी देख सकते हैं, मतलब एजुकेशन सर्विस सर्टिफिकेट 10th क्लास का तो जरूरी ही जरूरी है। मेरिट एडमिट कार्ड ओरिजिनल के साथ जेरोक्स भी कॉपी लाएं। मूल जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, तकनीकी शिक्षा जैसे ITI का कुछ किया हुआ, जैसे नायिका, मतलब आप किसी चीज़ में किए हुए हैं, जो जो चीज़ में आप भरे हुए हैं उस चीज़ का अगर कुछ किए हुए हैं सर्टिफिकेट है तो लेते आएँ। और साथ ही साथ अनुभव हो पत्र तो लेते आए, और कम से कम फोटोग्राफ 2 होना चाहिए, जो अभी पासपोर्ट साइज का होना चाहिए, जो हाल ही में खींचा गया हो। आवेदन पत्र जमा करने संबंधी पावती रसीद, पावती रसीद मीन्स एडमिट कार्ड, जब आप फॉर्म जमा कर रहे थे उसमें एडमिट कार्ड दिया गया था, उस एडमिट कार्ड को लेते जाना है ट्रेड टेस्ट के दिन। अब कौन कौन सा दिन है ट्रेड टेस्ट वो बताते हैं। 24/6/2019 से 29/6/2019 तक झाड़ू कस है। इसी दिन इतना अभ्यर्थी टेस्ट देंगे, जिस दिन अभ्यर्थी का रोल नंबर बताया गया है डेट के अनुसार उसी दिन जाएं। अगर किसी को भी समझना है किस दिन मेरा और किस दिन है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको बता दूंगा कि आपका कौन सा दिन टेस्ट है। आप रोल नंबर अपना बताएं मेरे कमेंट में। अब देखिए 3/7/2019 से लेकर 10/7/2019 तक जलवाहक का है, फिर 11/7/2019 से लेकर 19/7/2019 तक रसोइया का है, फिर 20/7/2019 से लेकर 23/7/2019 तक धोबी का है, फिर 24/7/2019 से लेकर 25/7/2019 तक नाई का है, और लास्ट 26/7 दफ्तरी का है। जिस किसी को भी समझना है कि कौन से दिन मेरी परीक्षा है वो मुझे कमेंट करके बताएं अपना रोल नंबर, मैं बता दूंगा कि आपका कौन से दिन है। साथ ही आप कौन सा डिपार्टमेंट में भरे थे, मतलब कि आप झाड़ू कस भरे थे, धोबी वाला भरे थे, नाई वाला भरे थे, वो साथ में बताएं कमेंट करके रोल नंबर के साथ, तो मैं ज़रूर बता दूंगा कि आपका कौन सा दिन परीक्षा है। तो देखिए, आप पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार 100 मार्क्स का ट्रेड टेस्ट होगा, उसमें से 2 भाग में ट्रेड टेस्ट होगा, 80 मार्क्स का व्यवहारिक जांच और दूसरा रख रखाव, सफाई, लुकआउट, मतलब आप रहन सहन, जो कि 20 मार्क्स का है। अब झाड़ू जिसका इसका ट्रेड है, ट्रेड एग्जाम, जैसे झाड़ू वाक्स जलवाहक को रसैया सभी को, मतलब क्या क्या लाना है आप सभी देख सकते हैं। झाड़ू कस को
वाले सब को लाना है, झाड़ू बनाने का सिक, नाली बाथरूम गंदगी साफ़ करने ढोने का उपकरण, पोछा डस्टर, आप सभी इतना सब लाना है। देख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर गैमेक्सिन पाउडर आप पढ़ सकते हैं, इतना सभी को लाना है। फिर जलवाहक पद के उम्मीदवार को 20-20 लीटर का 2 बाल्टी लाना है और 50 मीटर दौड़ना है और 50 मीटर आना है, 20 लीटर पानी भर के पिलाने हेतु ट्रे ग्लास लाएंगे, साथ ही आटा बर्तन मसाला पीसने का सामान सब्जी काटने चाकू मौसमी सब्जी बर्तन धोने का साबुन लाना है। रसैया पद उम्मीदवार को क्या लाना है देख लीजिए। रसैया पद अभ्यर्थी से खाना बनाने साफ सफाई करने की जांच व्यवहारिक जांच में ली जाएगी। इसके लिए सभी प्रकार के भोजन भोज्य पदार्थ जैसे गैस चूल्हा चावल दाल आटा खीर मतलब सभी आप देख सकते हैं जो जो लिखा है वो तो लाना है और आवश्यक सामग्री जो आपके दिमाग में आता हो वो सभी लेते हैं। धोबी पद उम्मीदवार के लिए धोबी पद अभ्यर्थी अपने साथ बिजली कोयला आयरन कंबल बेडशीट कटोरी सर्फ बाल्टी दो दो ऊनी एवं सूती कपड़ा भी लाना है। नए पद उम्मीदवार के लिए नए पद अभ्यर्थी अपने साथ बाल काटने संबंधी सभी उपकरण कैंची बड़ा शेविंग क्रीम शेविंग ब्रश आईना ब्लेड लोशन फिटकरी लाना है और आवश्यक सामग्री जो दिमाग में आपका आता हो कि हाँ ये सब जरूरत पड़ सकता है। दफ्तरी पद के लिए दफ्तरी पद अभ्यर्थी को कुछ लिखने पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए, साथ ही बुक रजिस्टर बेंडिंग करने का कला में निपुणता होनी चाहिए। दफ्तरी पद के कार्य के लिए कैंची रजिस्टर गोंद टेकुआ पेपर स्टेपलर धागा कूट एवं आवश्यक सामग्री साथ लाएंगे। आप सभी नोट्स कर सकते हैं कि देखिए कि ये सब जरूरी है पालन करना। सभी मूल संबंधित मूल प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक योग्यता संबंधित सभी मूल प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र आवश्यक प्रमाण पत्र तकनीकी शिक्षा संबंधित सभी चीज़ को लाना है, जांच परीक्षा में शामिल किए जाएंगे, तभी आपको सत्यापित मतलब जांच पड़ताल हो जाने के बाद आपको ट्रेड टेस्ट दिया जाने का परमिशन देने का मतलब ऑर्डर दिया जाएगा। 1 घंटा का परीक्षा होगा, उसी में 30 मिनट के प्रत्येक अभ्यर्थी को उसी समय दिया जाएगा। परीक्षा में अगर कुछ कारणवश फेरबदल कर भी सकती है और अगर दूसरे के नाम पर कोई परीक्षा दे रहा है या ट्रेड टेस्ट तो उसका कुछ केस उसू भी हो सकता है और हो सकता है आपको कुछ सरकारी एग्ज़ाम देना नहीं दिया जा सकता है। अति एक ही उम्मीदवार 2 पद भरा है जैसे झाड़ू का दफ्तरी जो 2 भी मतलब भरा है उसका पत्र रद्द कर दिया जाएगा। व्यवहारिक जांच परीक्षा में उपस्थित होने के लिए यात्रा व या कोई भी सुविधा नहीं दिया जाएगा बोकारो पुलिस के द्वारा। तो मैं इसी तरह अपडेट देता रहूँगा, जो भी कोई मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल घंटा भी दबा दें और ब्लॉग पसंद आता हो जो भी बताया तो अंगूठा छाप का है उसको लाइक बटन दबा दें। इसी तरह मैं इंफॉर्मेशन देता रहूँगा तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।